ये दिन कोरोना के दिन, मुसीबत के दिन, वबा के दिन, इसमें तकरीबन अक्सर लोग घरों में हैं और लोग पूछते हैं, अक्सर साथियों ने भी पूछा, बाहर के ममालिक से भी पूछा, ये पाकिस्तान कराची से भी पूछा कि नमाज के क्या करें। तो घर में नमाज जायज़ है, घर में जमात भी करवा सकते हैं मेरे दीदी। इसी तरह अगर घर में कोई फर्द मर्द नहीं है तो आइडिया है, बेटी है, बहन है, पिछली सब में खड़ी कर दे, जमात हो जाएगी, जमात हो सकती है, जमात को कोई हद नहीं। लेकिन मेरे दीदी, ये टेंशन, ये खौफ, ये बदतकादी, ये मरने का खौफ, कोरोना का खौफ, ये परेशानी, ये जो मसाइल हैं, इसको हल करना है, हमेशा के लिए हल हो सकते हैं, सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ करा सकते हैं इन्हीं दिनों, परेशानी के दिनों में, और सारी ज़िंदगी की टेंशन है, डिप्रेशन ख़त्म कर सकते हैं, दावे से कहता हूँ, तजर्बे से। तजर्बा ऐसा है कि सैकड़ों लोगों को बताया अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीन से कह सकता हूँ, दावे से, गारंटी से कह सकता हूँ, अगर कोई करेगा तो मौत तक कोई ना मौत का खौफ हो, ना कोरोना का खौफ होगा, ना मुसीबत का खौफ होगा, ना दुश्मन का खौफ होगा, ना हालात की खराबी का खौफ होगा, ना गुरबत का खौफ होगा, ना किसी दुनिया में कोई चीज़ खौफ होगा, एक ही खौफ है अल्लाह का, अल्लाह का खौफ तो बेहतर है। अगर कोई शख्स ये नुस्खा आजमा ले सारी दुनिया के, अगर खुदकुशी करता है तो सब्र कर ले, ये चंद दिन कर ले, अगर लाइलाज मरीज है तो चंद दिन कर ले, अगर सारी दुनिया से मायूस हो जाए तो इतना दिन कर ले, ये तजर्बा कर ले। दावे से कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, 100% नहीं 110% से कहता हूँ, अगर ये शख्स करेंगे घर में, दुनिया के सारे खौफ खतरे परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। काम क्या करने हैं, काम ये है कि एक तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना उमर बिन हफ्सा, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीनों की हदीस है कि जो शख्स वुज़ू करे, वुज़ू के बाद दो रकात नफिल करे, अल्लाह इसको ऐसे बना देते हैं जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ, गुनाह से माफ़ कर देते हैं अल्लाह। ये घरों में है तो घरों में बावजूद रहें, एक बात। दूसरी बात है, वुज़ू का अमल क्या करने हैं, अमल ये है कि 500 मरतबा घर में है, आसानी है, कारोबार नहीं, ड्यूटी नहीं, दुकान नहीं, मकान नहीं, सारे काम से फारिग हैं, कर्फ्यू के दिन है या परेशानी के दिन है, वो बात करते हैं, करो को दिन है, घर में 500 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह, 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 500 मरतबा थोड़ी देर में हो जाता है, फिर 500 मरतबा दरूद पढ़ें, जो भी दरूद पढ़ सकते हैं, कम से कम छोटा दरूद क्या है, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद, बस ये भी दरूद है, इसको पढ़ लें, लंबा दरूद ना पढ़ें, 500 मरतबा ये, और फिर 100 मरतबा हस्बुनल्लाहु व नि'मल वकील सुबह शाम, 100 100 मरतबा ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लज़ी अलज़ीम सुबह शाम, 100 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन सुबह शाम, 100 सारे जब हो जाए फिर एक दफ़ा अल्लाह के नाम कुरान पाक में लिखे होते हैं, अल्लाह के नाम 99, अल्लाह के 99 नाम पढ़कर दुआ करनी है, अल्लाह दुनिया भर के खतरात को, टेंशन को, डिप्रेशन को, खौफ को ख़त्म कर देगा, जिंदगी भर आपके खिलाफ आपके पास करीब नहीं आएगा खौफ, सारी ज़िंदगी की टेंशन ख़त्म करा सकते हैं, सारी ज़िंदगी की मुसीबतें ख़त्म करा सकते हैं, ये कोरोना का बाप भी आपके नज़दीक है इंशाअल्लाह। घर में रहें, वजू में रहें, हाथ धोएं, बार बार धोएं और हाथ मिलाएं भी ना किसी को, साबुन से हाथ धोएं, एहतियात भी करें लेकिन ये अमल करें। इसके साथ जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो क्या हैं, वालिदैन की नाराज़गी अगर है तो आप किसी भी जगह बचाए मुसीबत से नहीं बच सकते, वालिदैन को राज़ी कर लें, रिश्तेदारों को नाराज़ किया हुआ है तो सुलह कर लें, रिश्तेदारों को नाराज करने वाला मुसीबत का शिकार होते हैं, चाहे कोरोना से बचे तो किसी और मुसीबत का शिकार हो जाएगा। और इसी तरह जो बदखुल्क है, झगड़े करता है, लड़ाकू है, गालियाँ देता है, इसे तौबा कर लेनी चाहिए, अखलाक ठीक कर लेनी चाहिए। तीन चीज़ें, वालिदैन के साथ वालिदैन से माफ़ी मांग लें, अगर दीनदार नहीं है तो मुर्दों से माफ़ी मांग लें, उनके जानने वालों के साथ अच्छा सलूक करें, और रिश्तेदार उनके साथ लड़ाई है सुलह कर लें, और बदखुल्की करते हैं तो खुल्क अपना अखलाक अच्छा कर लें। तो यकीन करें, तजर्बे से, दावे से, गारंटी से, और 100% नहीं 110% कहता हूँ, जिंदगी भर कोई टेंशन, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई खौफ मुसलत नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये अमल कर लें, इन दिनों में आप फ्री हैं, टेंशन फ्री हो जाएंगे, फ्री तो वैसे ही हैं, कर्फ्यू में, खुद सन कराची में, पाकिस्तान में कर्फ्यू, पूरी दुनिया में कर्फ्यू, पूरी दुनिया के हर बॉर्डर बंद है, पूरी दुनिया के ममालिक ने बंद कर दिए, यहाँ तक कि हमारी ये कोताहियाँ गुनाहों की सबब बैतुल्ला भी बंद है, मस्जिद नबी भी बंद है, शायद हज भी मौखर हो जाए, हज एक साल हो ही ना, इतना मुसीबत है हमारे गुनाहों की, और गुनाहों को इलाज ये है जो मैंने अर्ज कर दिए। अल्लाह हम सबको 100% अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि 100% टेंशन फ्री होकर अल्लाह का